अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वाइब्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्विचर, कितनी किस्म के सर्जिकल स्विचर हैं, धागे हैं जो हम सर्जरीज में प्रोसीजर्स में यूज करते हैं। तो इनकी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, आज हम इस शॉर्टली वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले है स्विचर मटेरियल, यानी कि जो स्विचर है, यानी कि ये नीडल, उसके साथ जो धागा होता है, इसको मेन वो स्विचर मटेरियल। तो ये तीन किस्म का होता है, ठीक है। सबसे पहले होगा ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये कैसे बना हुआ है। तो ओरिजिन कैसे बना हुआ है, यानी कि जो एक स्विचर मटेरियल है धागा, वो कैसे बना हुआ था। जो स्विचर मटेरियल है वो एक होगा, या तो वो नेचुरल होगा और या सिंथेटिक होगा। नेचुरल का मतलब उसका जो स्विचर मटेरियल है धागा, वो कुदरती तौर पर बना होगा, जैसे सिल्क कुदरती तौर पर उगाई जाती है, कैटगट, और इसके बाद लिनन, इस तरह मुख्तलिफ स्विचर जो कुदरती तौर पर उगते हैं, उनको यूज करके जो हम स्विचर बनाएंगे, उस ये नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद कुछ स्विचर होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मुस्नुई, जो के हम मुस्नुई तौर पर बनाते हैं, जैसे हमने पोरोलीन है, ठीक, पोरोलीन हो गई, उसके बाद सर्जिकल स्टील, उसके बाद पॉलीग्लाइकोलिक एसिड वगैरह, इस तरह के वो सिंथेटिक मुस्नुई तौर पर बनते हैं। हमने ओरिजिन पढ़ लिया। सेकंड है अब्सॉर्प्शन, यानी कि फिर मटेरियल हमने पढ़ लिया कि कुदरती तौर पे होता है या मुस्नुई तौर पे होता है। इसके बाद उसकी सेकंड कैटेगरी आती है कि आया कि वो स्विचर अब्सॉर्ब हो जाता है जिस्म में, या उसको निकालना पड़ता है। तो इसकी टू टाइप्स हैं, अब्सॉर्बेबल, अब्सॉर्बेबल मतलब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जिस्म में डिजॉल्व हो जाना, दूसरा है आर या नॉन अब्सॉर्बेबल, यानी कि इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है अब्सॉर्प्शन, इसमें टू टाइप्स हैं, अब्सॉर्बेबल और नॉन अब्सॉर्बेबल। तो स्विचर अब्सॉर्बेबल होते हैं कुछ, और कुछ नॉन अब्सॉर्बेबल, और जो नॉन अब्सॉर्बेबल होंगे उनको निकालना पड़ता है, जैसे पोरोलीन है, सिल्क है, लिनन है, इस तरह के। और अब्सॉर्बेबल स्विचर में क्या क्या आता है, कैटगट, वाइक्रल, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकल कैप्रोन, पॉलीडाइऑक्सिनोन जैसे स्विचर, जो कि जिस्म में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि मैंने इन पिछली वीडियोस में एक एक स्विचर को बकायदा बहुत ही एक्सप्लेन के साथ बयान किया है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है फाइबर कंस्ट्रक्शन। फाइबर कंस्ट्रक्शन का मतलब धागे की साख्त क्या है, क्या वो एक ही है, क्या उस पर कोई कोटिंग हुई हुई है किसी चीज की, या उस पर कोई चीज ऐसे ऐसे, यानी कि ज्यादातर होता है एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हैं, इस वजह से इसकी भी टू टाइप्स हैं। फाइबर कंस्ट्रक्शन अगर उनकी देखें, साख्त धागे की साख्त देखें, तो ये है मोनोफिलामेंट हो सकता है। मोनो का मतलब एक, फिलामेंट का मतलब धागा, यानी कि सिंपली एक, जैसे पोरोलीन को देख लें बिल्कुल सिंपली है, सर्जिकल स्टील को देख लें सिंपली है, इस तरह की मुख्तलिफ जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एक ही धागे की बनी हुई होती है। उसके बाद आता है कुछ और यहां होगा मल्टी फिलामेंट। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, फिलामेंट का मतलब धागे, यानी कि जो एक से ज्यादा धागे, जैसे मैंने ये वाली मिसाल दी है कि ज्यादा आपस में ट्विस्टेड वगैरह हुए होंगे। और अगर जो धागा मल्टी फिलामेंट होगा, जो ज्यादा धागा होगा, उसकी भी टू टाइप्स होती हैं, या तो वो होगा ब्राइडेड, या होगा ट्विस्टेड। ब्राइडेड का मतलब ज्यादा धागे एक दूसरे के ऊपर होना, और ट्विस्टेड का मतलब सिंपली एक धागे का दूसरे धागे के ऊपर होना। तो ये मल्टी फिलामेंट्स की टू टाइप्स नेक्स्ट हैं। यानी कि हमने इस वीडियो में पढ़ा कि जो सर्जिकल मटेरियल है, उसका हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है, वो कैसे बना है। तो कैसे बनता है, कुदरती तौर पर और मुस्नुई तौर पर। सेकंड ऑप्शन है अब्सॉर्प्शन, क्या वो हल होता है या नहीं होता। तो ये दो किस्म के होते हैं, अब्सॉर्ब भी हो जाते हैं और कुछ अब्सॉर्ब नहीं होते। तीसरा इसका है कि फाइबर कंस्ट्रक्शन,
उसके धागे की साख्त क्या है। तो ये इसकी भी टू टाइप्स हैं, एक कुछ मोनोफिलामेंट्स होते हैं, कुछ मल्टीफिलामेंट्स होते हैं, और जो मल्टीफिलामेंट्स होते हैं उनकी आगे टू टाइप्स हैं, वो है ब्राइडेड, ब्राइडेड और ट्विस्टेड। ब्राइडेड ज्यादा धागे एक का एक धागे के ऊपर होना, और ट्विस्टेड का सिर्फ सिंपल तौर पर एक दो धागे का आपस में होना। तो आज का टॉपिक बहुत ही मेन और समझने वाला टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।